पत्रकारों की पिटाई का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अपना चरित्र दिखा दिया है। दरअसल मुरादाबाद के एक होटल में अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसपी कार्यकर्ताओं ने उत्पात मचाया। एसपी कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों के साथ मारपीट की, ये आरोप लग रहा है। हैरानी की बात यह है कि कार्यकर्ताओं की गुंडई के दौरान अखिलेश यादव भी मौजूद थे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को रोकने की जरा भी कोशिश नहीं। हंगामा बढ़ा जिसके बाद अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से शांत होने की अपील की। जब देखा कि मामला ज्यादा बढ़ गया है तब अखिलेश ने कहा कि शांत हो जाइए, लेकिन उससे पहले ये उथल पुथल इसी तरीके से मचती रही और पत्रकारों के साथ मारपीट का आरोप भी है। पहले तो वो सबको पीटते ही रहते थे, लेकिन इस कृत्य की मैं तो कड़ी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। और श्री अखिलेश यादव जी को इस मुद्दे पर पत्रकारों से माफी मांगनी चाहिए और जो उनके दोषी कार्यकर्ता उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और कोई भी प्रेस होती है तो किसी पत्रकार के साथ ऐसा व्यवहार भविष्य में मैं अपेक्षा करता हूँ कि चाहे वो श्री अखिलेश जी हो या कोई भी नेता हो, नहीं करना चाहिए। अभी तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से पत्रकारों को खबर दिखाने के एवज में उनपे मुकदमे किए गए, कई सारे पत्रकारों पर उनके परिजनों पर हमले किए गए, अब समाजवादी पार्टी के मुखिया द्वारा पत्रकारों के साथ ऐसा व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के कृत्य की पुनरावृत्ति करता है। मुझे लगता है जिस तरह से हमारे लोकतंत्र के चौथे प्रहरियों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, उनको प्रताड़ित और अपमानित किया जा रहा है, उनके जो सिद्धांत है, अधिकार है, उसका हनन किया जा रहा है, पूरे देश को बैठकर इस पर चिंता करनी चाहिए और उनके ऊपर हो रहे हमले या FIR पर पूरे देश को कड़ी आपत्ति करनी चाहिए। मुरादाबाद से बेहद चौंकाने वाली खबर आई है। सभी पक्षों को यह समझना चाहिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चाहे वो पत्रकार हों और चाहे वो राजनीति से जुड़े हुए लोग हों, वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। लेकिन मुरादाबाद में जो कुछ भी घटित हुआ है उसने लोकतंत्र की खूबसूरती पे बदमा दाग लगाने का काम किया है। पूरी तरीके से एक शर्मनाक घटना सामने आई है, निंदनीय घटना सामने आई है। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति किसी भी पार्टी से जुड़े हुए लोगों या पक्षों की तरफ से कतई नहीं आएगी। तो एक तरफ सियासत का ये रंग दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ 2022 में देश की आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नमक